स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करेंगे। ए एस ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 meter हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शेप्स आर 30° एंड 45°। इफ वन शेप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। इसमें ये बोला गया है कि एक लाइट हाउस से हम लोग देख रहे हैं टू ships की ओर, ठीक है। 75 meter ऊंचा लाइट हाउस है, तो ये जो हाइट है वो हमारी 75 है इसकी। ये लाइट हाउस हो गया हमारा ए बी, ठीक है। यहाँ पर सी और डी, ये टू ships हैं, ठीक है। इनको हम लोग देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है इस लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एज्यूम कर लेंगे, इस टाइप से लाइन लेना चाहिए। इस लाइन से इस डी के लिए जो एंगल बनेगा ए वाला एंगल, और इसी लाइन से सी के लिए जो एंगल बनेगा ए वाला एंगल, यानी टू डिप्रेशन एंगल बन रहे हैं। ए वाला एंगल चूँकि ये इसके नियरेस्ट है, इसलिए इस एंगल की जो साइड है वो ज़्यादा होगी, यानी 45, और ये छोटे वाले की 30°। इस टाइप के एंगल हैं होंगे, ठीक। जब भी टू पैरेलल लाइंस के बीच में एक वर्टिकल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो ये जो एंगल होते हैं ये एंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। देखिए जरा, ऐसे मैंने टू पैरेलल लाइंस बनाए हैं, इसमें जब भी एक लाइन बनेगी तो ये जो एंगल होंगे अपोजिट साइड के, एंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होते हैं। तो इस लाइन पर ये 30 है, तो यहाँ पर भी ये 30° हो जाएगा। यहाँ पर ये 45 है, तो यहाँ पर ये 45 एंगल हो जाएगा। यानी इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन है और इधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही बेस की ओर आप बढ़ते जाते हैं तो एंगल बड़ा होता जाता है, इसलिए ये 45 और ये 30। अब आपको इसमें ये बताना है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को x ले लेते हैं, हाइट आपको दी हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं tan 45° इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी बी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ए बी की वैल्यू 75 अपॉन डी बी की वैल्यू x, x इक्वल टू 75। हमने ये प्रूव कर लिया यहाँ पर। अगला लेंगे हम tan 30°, इसमें भी परपेंडिकुलर सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है बी सी। अब देखिए बी सी की जो डिस्टेंस है, बी सी इक्वल टू सी डी प्लस एक्स, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन सी डी प्लस एक्स, ठीक है। अभी देखिएगा इसमें 1/√3 इक्वल टू 75, एक्स की वैल्यू 75 आपने निकाल ली यहाँ पर, सी डी प्लस 75 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आप, तो सी डी प्लस 75 इक्वल टू 75√3। अब इसको ऐसा लिखेंगे, 75 इस साइड ले आएंगे, सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75। आप सी डी इक्वल टू 75 आप कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1। देखिए आपको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। ए डिस्टेंस क्या हो गया सी डी, तो सी डी ही दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है। ये जो आंसर है 75√3 माइनस 1 meter, ए ही इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमको फिगर सही से बनाते आ जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ए 1.2 meter टाल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 meter फ्रॉम द ग्राउंड। एक बैलून है जो ग्राउंड से 88.2 meter हाइट पर
उड़ रहा है, ठीक है। और एक लड़की है जो 1.2 मीटर टाल की है यानी लंबी है, वो उस बैलून को देख रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी समय पर उस लड़की की आँख से बैलून का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, वो 30 डिग्री हो जाता है कुछ समय बाद। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस समय में वो बैलून कितने दूर गया है, उसकी क्या डिस्टेंस है, ये हमको निकालना है। ये फिगर 9.13 आपके स्क्रीन पर है, मैंने भी इसको बनाया हुआ है, ज़रा देखिए। देखें, एक बैलून है यहाँ पर, ये बैलून इतना डिस्टेंस यहाँ तक ही कवर कर रहा है। एक लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है, ये 1.5 मीटर 1.2 मीटर टाल है, ठीक है। हम इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन यानी अर्थ लाइन बना लेते हैं, क्योंकि ये ज़मीन है और ये उसकी आई है, ठीक है। और ये बैलून का जो हाइट है देखिए ज़रा पूरा है, ठीक है। तो ये जो बैलून का हाइट है वो कितना दिया हुआ है, 88.2 टोटल हाइट, ठीक है। अब आपको देखना है, इसको हम कुछ नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी और इधर ई, ठीक है। अब यदि हमको ये हाइट ए और बी चाहिए है तो ये टोटल हाइट है 88, ठीक है। इस 88 में से यदि हम इसको भी कुछ नाम दे लें एफ और जी, तो जो हाइट है वो है ए बी, ए बी प्लस बी एफ इक्वल टू ए एफ। देखिए ए एफ इक्वल टू ए बी प्लस बी एफ, ए बी की डिस्टेंस आपको पता नहीं है, बी एफ आपको पता है 1.2, तो ए बी 1.2 है, तो ये हो गया 1.2 इक्वल टू ए एफ आपको दिया हुआ है 88.2, ए बी इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87। ये विशेष रूप से हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने 88 इकट्ठा ले लिया और इससे सॉल्व किया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 1.2 मीटर टाल कर ले तो एंगल इसकी आंखों से बनाया गया एंगल है, ठीक है। तो इतना हाइट अपने को कम करना होगा, ये हाइट 88.2 है इसलिए वो सॉरी 87 हो गई, ये वाली हाइट भी 87 हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बड़ा वाला एंगल है 60 और ये छोटा वाला एंगल है 30। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी क्या ले लेंगे हम लोग, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू है 1/√3, ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली यहाँ पर 87, ध्यान दीजिए 88.2 मत लिख देना नहीं तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। बी सी, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 87√3, ये हमारी बी सी टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगले ट्राइंगल में ले लेंगे हम इन ट्राइंगल ई डी सी, ई डी सी में, ठीक है। देखिए ट्राइंगल ये दिख रहा, ई डी सी में क्या होगा, 10 60 डिग्री अपॉन ई डी अपॉन सी डी। अब ई डी की भी वैल्यू 87 है अपॉन सी डी,
सीडी की जानकारी हमको भी नहीं है। 1060 की वैल्यू कितना है, रूट थ्री इक्वल टू 87 अपॉन सीडी। अभी सीडी साइड ले जाइए, सीडी इक्वल टू 87 अपॉन रूट थ्री, ये हमारे सीडी की वैल्यू आ गई है। इसको हम नंबर वन दे लेते हैं। जब भी रूट थ्री नीचे होता है तो हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 87 रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री। इस थ्री से 87 को कैंसिल करेंगे, थ्री टू जा सिक्स, थ्री नाइन जा, तो ये वैल्यू आ गई 29 रूट थ्री। ये हो गया आपका नंबर टू, सी डी की वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए इस फिगर में आपको सी डी की वैल्यू आ गई है, डी बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये बैलून यहाँ पर ई पॉइंट से ए पॉइंट तक गया है, यानी डी बी की जो वैल्यू है यानी जो डिस्टेंस है वही उतने ही ट्रैवल बैलून ने किया है, इसलिए डी बी की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालना है। तो इस टाइप से फॉर्मूला क्रिएट होगा, बी सी माइनस सी डी, बी सी में से सी डी को माइनस कर देंगे तो इक्वल क्या आ जाएगा, डी बी, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, इस कंप्लीट डिस्टेंस में से सी डी को माइनस करेंगे तो डी बी आ जाएगा इक्वल टू। बी सी की वैल्यू कितनी है देखिए, अभी हमने यहाँ निकाली 87 रूट थ्री, सी डी की वैल्यू अभी निकाल ली हमने माइनस 29 रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री कॉमन है तो इस टाइप से हो जाएगा 87 माइनस 29 रूट थ्री हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और 87 में से 29 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 58 और साथ में रूट थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए एक टावर बना हुआ है ए बी, इस पर एक मैन खड़ा हुआ है, वो एक एक रोड है, हाईवे रोड बना हुआ है। ठीक है, इस पर एक कार है यहाँ पर सी इस पॉइंट पर है, और वो कार वहाँ से ट्रैवल करते हुए डी पॉइंट तक आ जाती है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, इस टाइप इधर की ओर मूव कर रही है ये कार। ठीक है, इसका जो एंगल है डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी ऊपर से बनाया हुआ एंगल, तो ये फर्स्ट पॉइंट पर जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पर भी ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टू पैरेलल लाइंस, ये एज्यूमिंग लाइन है, टू पैरेलल लाइंस के एंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी कार पास की ओर आएगी तो एंगल बढ़ता जाएगा, तो ये वाला एंगल जो बड़ा वाला एंगल है, ये वाला एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल है। फिगर कंप्लीट है, तो अब क्वेश्चन आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, सबसे पहले हम ए बी डी में ले लेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी हमको इस टावर के बेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम जो है सी से डी तक पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्राइंगल से, तो इसमें हमको 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी टी, 1060 की वैल्यू हो गई है रूट। ठीक है, परपेंडिकुलर इसको हाइट नहीं है तो इसको हम एच ले लेंगे और इस डिस्टेंस को एक्स ले लेंगे। ठीक है, एच अपॉन एक्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे रूट थ्री एक्स इक्वल टू एच, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यानी जो हाइट है अंडर रूट थ्री एक्स के इक्वल है। अब नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए
ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। देखिए बी सी क्या है, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, और बी डी आपने भी एक्स ले लिया तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस डी सी। टेन 30 की वैल्यू क्या है, वन बाई रूट थ्री इक्वल टू ए बी हो गया आपका एच और बी सी हो गया आपका एक्स प्लस डी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स प्लस डी सी इक्वल टू एच रूट थ्री, ये हो गया पॉइंट टू। एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगी इधर से यदि एक्स की वैल्यू हमको निकालना होगा तो क्या वैल्यू हो सकती है, एक्स इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री हो जाएगी, ये रूट थ्री इसके नीचे चला गया, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम वन बी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू हो गई है एच अपॉन रूट थ्री प्लस डी सी इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री। ठीक है, इस एच को साइड ले जाएंगे आप, डी सी इक्वल टू एच रूट थ्री माइनस एच अपॉन रूट थ्री। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, रूट थ्री यहाँ पर वन, तो ये रूट थ्री, वन से इसको डिवाइड करेंगे रूट थ्री, रूट थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एच थ्री मल्टीप्लाई थ्री, माइनस से इसको डिवाइड करेंगे वन, और वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एच। देखिए थ्री एच है और ये एच है, इनको सॉल्व करेंगे, थ्री एच में से एच माइनस जाएगा किया जाएगा तो टू एच अपॉन रूट थ्री, यानी डी सी इक्वल टू टू एच अपॉन रूट थ्री, ये आ गया। देखिए बी डी एक्स था तो बी डी की वैल्यू हमारे पास है और डी सी की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं टाइम दिया गया है, टाइम आपसे पूछा भी गया है कि एक्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, चलिए अपन देखते हैं। देखिए इस टाइप का फिगर बना हुआ है ना, तो ये है ए बी डी सी, यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए 6 सेकंड का समय लग रहा है, और आपको डी सी की वैल्यू अभी आ गई है टू एच अपॉन रूट थ्री। स्पीड सेम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस है आपकी टू एच अपॉन रूट थ्री, और टाइम अभी आपको 6 सेकंड मिला हुआ है, इसके नीचे बन ले लीजिए, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के फॉर्म में है, टू एच अपॉन रूट थ्री इंटू वन अपॉन सिक्स, टू से इसको कैंसिल कर दीजिए थ्री, तो स्पीड इक्वल टू एच अपॉन थ्री रूट थ्री, ये हमारी स्पीड कार की आ गई है, यहाँ से यहाँ तक जाते समय हमको टाइम की जानकारी थी तो हमने स्पीड निकाल ली। अब बी से डी की ओर कितना टाइम लगेगा, उसी फॉर्मूले को फिर यूज करेंगे, एस इक्वल टू डिस्टेंस बी डी अपॉन टाइम, बी डी को हमने अभी एक्स बोला था, एक्स अपॉन टी, एक्स की वैल्यू भी आपने ऊपर अभी निकाल ली थी, एक्स इक्वल टू एच वाई रूट थ्री, ठीक है अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड आपको पता है, यहाँ पर फॉर्मूले में रखिए, एच अपॉन थ्री रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, टी एच इक्वल टू, टी एच इक्वल टू थ्री रूट थ्री ए वाला मल्टीप्लाई एच, इसके नीचे रूट थ्री था तो रूट थ्री। ठीक है, अभी इस रूट थ्री से इस रूट थ्री को कैंसिल कर दीजिए, टी एच इक्वल टू एच थ्री, अभी टी इक्वल टू
एच मल्टीप्लाई थ्री अपॉन एच, ये नीचे चला जाएगा वापस, इसको कैंसिल कर दीजिए, टी इक्वल टू 3 सेकेंड। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, यदि हम सारे टर्म्स सेम रखते चलेंगे तो हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एक बेसिक तरीका ही है। ठीक है, इसका एक टाइप और हो सकता है यदि आप इसको ओरली करना चाहें। देखिए ज़रा, डी सी डिस्टेंस है 2h/√3 और एक्स है h/√3, यानी ए डिस्टेंस आधी है इससे। ठीक है, देखिए 2h√3 और h√3 आधी डिस्टेंस है, तो यानी इसमें टाइम जो आपका 6 लग रहा है तो इस वाले में टाइम 3 लग रहा है, ऑटोमेटिक ही आप देख सकते हैं। 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट एन कॉम्प्लीमेंट्री प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये थोड़ा सा घुमाते हुए क्वेश्चन को लिखाया गया है और ये बहुत ही सिंपल और आसान है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए मेरे साथ ज़रा देखते हैं, टावर है ए और बी, ठीक है, इसकी हाइट 6 मीटर हमको प्रूव करना है, 6 दी है बताया है लेकिन हमको 6 लेना नहीं है, प्रूव करना है। यहाँ पर एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट है, इनका एलिवेशन जो एंगल है 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ये के पॉइंट है बेस से, इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर और ये दूसरा पॉइंट है सी, इसका डिस्टेंस है 9 मीटर। ठीक है, तो ये 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स हैं, इनके जो एलिवेशन एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री होंगे तो ये इसका और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी इन दोनों का एडिशन कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो हमको एंगल पता नहीं है, मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेंगे, बेसिकली इसको 90 माइनस थीटा ले लेंगे, यदि एंगल ए को हमने थीटा लिया है तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ बी एक लिख रहा है, मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, मैंने तो ये भी काउंट किया है, माना हुआ है इसको, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यदि आप इसको चाहो तो आप इसको डी लिख लीजिए ये वाला, और बी को लिख लीजिए सी, और ये हो गया सी, एंगल सी हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है तो हम लोग एच ले लेंगे, प्रूव कर रहे हैं ना हम इसको 6, इसलिए हमने माना नहीं, पहले लिखा नहीं, बेस कितना है 4, ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एच इक्वल टू 4 tan थीटा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में ले लेंगे 10, यहाँ पर 90 माइनस थीटा ले लेंगे क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है, परपेंडिकुलर सेम है, ए बी अपॉन बेस बदल गया है बी सी, ए बी की वैल्यू है एच और बेस की वैल्यू क्या है, देखिए बेस कौन सा होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 9। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच इक्वल टू 9 tan 90 माइनस थीटा, आपको पता है कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, ये हमने पिछले में पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूले यदि आपको याद नहीं है तो फिर आप इस सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसकी जगह पर हम लिखेंगे कॉट थीटा, एच इक्वल टू 9 cot थीटा, थीटा लिख लिया आपने, और cot थीटा
इक्वल टू वन बाई टेन थीटा होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो कॉट की जगह पर हम लिखेंगे एच इक्वल टू नाइन वन बाई टेन थीटा। अब देखिए जरा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। वन और टू में एच, दोनों में एच है तो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ कर देता हूँ मैं फोर टेन थीटा, ऐसा लिखिए फ्रॉम वन एंड टू। फोर टेन थीटा यहाँ से आ गया, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नाइन अपॉन टेन थीटा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इसमें, और फोर इसके नीचे ले आइए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू नाइन बाई फोर। अभी टेन थीटा निकालना होगा हमको, तो इसका अंडर रूट नाइन बाई फोर इक्वल टू थ्री बाई टू। देखिए टेन थीटा की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू, और यहाँ देखिए आप टेन थीटा की वैल्यू थी आपकी एच बाई फोर, ठीक है। तो हम इसको इन दोनों को इक्वल कर देंगे, थ्री बाई टू इक्वल टू एच बाई फोर। एच निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई फोर बाई टू, इससे इसको कैंसिल कीजिए टू, और एच इक्वल टू सिक्स। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था ना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको यदि आसानी से देखे फिगर सही कर पाएंगे, यदि सही बनाएंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। और ये टर्म जरूर याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री। और ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कॉट के लिए है, टेन कॉट थीटा इक्वल टू टेन नाइन्टी माइनस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। इनको भी बेसिकली आपने पिछले लेसन में पढ़ा है, हमें इनको याद रखना होगा, तभी हमें सारे आंसर आ पाएंगे। इस प्रकार 9.1 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे।